देखेगा मेरे ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ इंद्रपुरुष पार्क में। तो आज हम आए हैं विश्व शांति स्तूपा टेम्पल जो है ये इंद्रपुरुष पार्क में। तो चलो गाइस चलते हैं आप लोगों को लेके। आप ये देख सकते हो ये विश्व स्तूपा टेम्पल का ये मेन गेट है, ये ऐसा अंदर का इंटीरियर है। मेन गेट तो आपको वो दिखाई देगा रोड से, ये देख सकते हो इसका ये सेकेंड गेट है ये टेम्पल के अंदर जाने का। चलो गाइस अंदर लेके चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। तो गाइस आप इस पर देख सकते हो जो यहाँ पे सारे इस पर दीवार पे हर चीज़ हाथों से बनाया हुआ है, कारीगरी किया हो गया है। तो अंदर आप लोगों को लेके चलता हूँ, चलो। सो गाइस तो ये आप देख सकते हो इसका अंदर का ये है। चलो चलते हैं आप लोगों को ऊपर लेके चलते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहे। सो गाइस आप इसमें देख सकते हो जो ये इस मंदिर के बारे में जानकारियाँ लिखी गई है जो कब बन के तैयार हुआ था। सो आप लोग तो देख सकते हो ये। चलो सो गाइस आप लोग ये देखो, चप्पल उतार के जाना पड़ेगा ऊपर, तो हमने वो जूता चप्पल उतार दिया, अब चलते हैं ऊपर। तो चलो गाइस चलते हैं ऊपर। सो गाइस आओ आप लोगों को यहाँ का कुछ व्यू दिखाते हैं, कितना बढ़िया है। इसका मेन इंटीरियर ये है। सो ये देखो, चलो गाइस आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। सो गाइस आप ये देख सकते हो, ये देखो। चलो गाइस ये देखो, अगर आप लोगों को गाइस ये टेम्पल अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं। ये देखिए महात्मा बुद्ध का ये मूर्ति है, ये कितने अच्छे तरीके से बना रखा है। तो चलते हैं गाइस, चलो। और यह आप यहाँ का कुछ देख सकते हो, ये व्यू बढ़िया है। टेम्पल के बगल में है। और ये गाइस ये महात्मा बुद्ध का मतलब देखो, फूल के ऊपर टेम्पल बना रखा है इनका, मूर्ति अच्छा है। सो चल रहे हैं। सो गाइस आप ये देख सकते हो, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या है, बट ये लॉक पड़ा हुआ है इधर। सो गाइस तो एक ऑटो महात्मा बुद्ध का के ऊपर आओगे तो महात्मा बुद्ध की चार मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। सो चलो ये देखते हैं और चलता हूँ आप लोगों को नीचे लेके, नीचे का भी कुछ व्यू दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो यहाँ का आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। सो गाइस आप ये देखो टेंपल, जैसे नेपाल में काठमांडू में जैसे बने हुए हैं टेंपल, तो ये ऐसा लग रहा है। बट यहाँ से तो मुझे बंद दिख रहा है, फिर भी हम चलते हैं उसके ऊपर, देखते हैं अंदर से क्या नज़ारा है इसका। खुला होगा तो दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये नीचे जाने का रास्ता है। पैर तो भाई साहब यहाँ पे ऐसे जल रहे हैं ना, इतना गर्म हो रखा है ये फरस, हम लंगे पाँव हैं को। और ये कुछ ऐसा है आप देख सकते हो, ये चाइना लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ इतना है पता, जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा इस टेम्पल के बारे में। तो फिर चलो आप लोगों को लेके चलते आगे। ये तो गाइस लॉक पड़ा हुआ है, ऊपर चल रहे हैं, ऊपर देखते हैं। सो गाइस तो हम इसके ऊपर चल रहे हैं, चलो देखते हैं। सो गाइस तो आप देख सकते हो हम तो इसके ऊपर आ चुके हैं, चलो आप लोगों को दिखाते हैं। बट ये तो लॉक पड़ा हुआ है, हर चीज़ ताला लगा रखा है यहाँ पे। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, फैमिली के साथ आके आप बैठ सकते हो हर चीज़ यहाँ पर। ये सब लॉक पड़ा हुआ है गाइस, इसके अंदर का क्या व्यू है देखते हैं। सो ये टेंपल तो गाइस बंद है, अगर चलो हम चलते हैं हम तो यहाँ से मंदिर का कुछ ऐसा भी हुआ है। सो अगर वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं थोड़ा बहुत व्यू आप लोगों को यहाँ का दिखाता हूँ, चलो। सो गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ये ऐसा है, इसका मुझे गाइस नाम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर हमारी नो एंट्री लिखा हुआ है सामने। तो देख सकते हो अगर गाइस यहाँ पर एक ये है ऐसा झील, आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ ऐसा है ये। इसके अंदर जाना हमें अलाउड नहीं है, तो सो हम यहाँ पे जा नहीं सकते, ये आप देख सकते हो। तो सो गाइस अगर हमारी, अगर आप लोगों को हमारी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।